असल वरि वको कैसे डेस्ट स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे डेस्टूडेंट्स आप लोग साथ फर्स्ट एड इंग्लिश के मोट इम्पॉटेंट सोल्व हालशुदा एम सी क्यू जो है मरोज़ी जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ लाहौर मुल्तान सहवाल सरगोदा फैसलाबाद रावलपिंडी गुजरावाला डी जी खान भावलपुर और आज़ाद कश्मीर बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं वो तमाम जो हैं इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं इससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि मोस्ट इम्पोटेंट तमाम चीज़ें जो हैं आप लोगों के इंग्लिश पेपर में जो जो चीज़ आती है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बारी बारी करके मैंने जो है शेयर की हुई हैं जो कि आपको इस वीडियो के नीचे जो है वो मिल जाएंगी इसके अलावा कंप्लीट गैस पेपर जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है जो कि आप फर्स्ट फर्स्ट ईयर इंग्लिश गैस पर है एच बी एस एजुकेशन लिख कर जो है सर्च करेंगे तो टॉप पर नज़र आ जाएगा प्ले लिस्ट में तमाम जो आप लोगों के जो इंग्लिश के टिप्स हैं और नोट्स हैं प्ले लिस्ट बनाई हुई है चैनल ओपन करने के बाद वीडियो के साथ प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग वो भी देख सकते हैं या फिर आप लोग मुकम्मल गैस पेपर या प्ले लिस्ट जो है वो आप इस वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं टैब की सूरत में आप मैं शो करवा दूंगा जिनको क्लिक करके आप लोग जो है कंप्लीट गैस पेपर और जो है वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं या फिर चैनल ओपन करके इसके नीचे तमाम वीडियोस जो हैं रिसेंटली जो मैंने अपलोड की हैं गैस पेपर की सूरत में हर क्वेश्चन के अलग अलग तो वो भी देख सकते हैं तो आपके जो सोनोनियम्स हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन जो होता है एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया वो होता है उस अंडरलाइन वर्ड का मिलता जुलता मीनिंग वाला जो है वो चार ऑप्शन में मौजूद होता है जिसको आपने जो है चूज़ करना होता है और बबल फॉर्म में फिल करना होता है उसके ऑप्शन पर तो ज़्यादातर एम सी क्यूज जो हैं आप लोग फर्स्ट इंग्लिश के रिपीटेड नहीं होते चेंज हो आते हैं इसलिए आप लोग जो है इसका मीनिंग जो है वो याद करके जाइएगा जो आपके एक्सरसाइज वाले बुक वन के जो हैं उनके लाजमी देख के जाइएगा उनमें से काफ़ी हद तक आ जाएंगे तो बाक़ी जो है जो रिपीट हुए हैं पेपर्स में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं सबसे पहले जो है बीस नंबर की पूरी एमसीक्यूज है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं एमसीक्यूज ये वो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे तो इसमें जो आप लोग देख सकते हैं कि अंडरलाइन वर्ड जो है उसको मैंने थोड़ा बोल्ड किया हुआ है और उसका आंसर जो है उसको मैंने रेड जो है ब्रैकेट में जो है बंद किया हुआ है जैसे अर्थ स्टार्ट एट हर अपाल इसका जो है टेरिफाइड है तो इस तरह ये सारे जो हैं मैंने किए हुए हैं इनको आप बस देखते जाएं मैं पढ़ूंगा नहीं अगर पढ़ूंगा तो वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी तो इनको आप देखते जाएं तो आपको वीडियो यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ ताकि आप इसको रोक कर जो है आप इसको स्क्रीन शॉट ले लें साथ साथ पढ़ लें जल्दी से तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बार बार पूछे जा चुके हैं आर रेडी ये वो वाले सनोनियम एम हैं दस ये आते हैं बीस में से दस नंबर के यही आते हैं आप लोगों के तो इनको आप लोग देख लें उसके बाद नेक्स्ट पेज तो इनको भी आप लोग जो है जल्दी से देख लें ये अंडरलाइन जो वर्ड है उसका मीनिंग से मिलता जुलता दूसरा जो है आंसर करेक्ट वो रेड में दिया हुआ है तो इनको आप देखते जाए ये फिफ्टी हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फिफ्टी प्लस हो सकते हैं लेकिन अराउंड है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है कुछ लेस इम्पोर्टेंट हैं जो के मतलब रिपीट तो हुए हैं पेपर्स में लेकिन थोड़ा कम रिपीट हुए हैं तो ये वो वाले एम सी क्यूज हैं यहाँ से जो है वो लेस इम्पोर्टेंट है जो दस नंबर के आपके अंडरलाइन मीनिंग वर्ल्ड वाले जो आते हैं एम सी क्यूज तो पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थे ये जो है लेस इम्पॉर्टेंट है इसके बाद जो है पांच जो हैं वो आपके प्ले पोएम्स और बुक वन में से आते हैं जो कि चैप्टर के अंदर से होते हैं तो वो अगर आप लोगों ने चैप्टर जो है पढ़े हुए हों प्ले पढ़े हुए हों तो वो फिर पाँच नंबर के आराम से हो जाते हैं तो बीस नंबर के एम सी क्यूज़ में से पाँच नंबर के वही जो हैं वो सबसे ईजी हैं और पाँच नंबर के फिर वर्ब्स होते हैं तो पहले ये दस नंबर के देख लें तो so नेक्स्ट जो है आप लोगों को स्क्रीन पर सामने आ रहा होगा चूज द करेक्ट आंसर या आपके बुक के अंदर से आते हैं जैसे वे वाज द बस लेट बिकॉज ऑफ स्टॉर्म तो यहाँ से एक और चीज़ भी है एक हेम क्यूज मिलती जुलती है एक जो है आपका चैप्टर नंबर फोर है तो बुक वन का उसमें जो लार्ज वूमेन होती है वो होटल ब्यूटी शॉप से आ रही होती है काम करके तो उसको ये है जग के प्ले नंबर वन में जो लड़की है वो जो है पार्टी से वापस आ रही होती है तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा जो द डॉग सेफ द लाइफ ऑफ़ गर्ल तो ये बहुत आसान है अगर आपने प्ले और चैप्टर पढ़े हुए हैं तो ये वहीं से आते हैं तो ये वो हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं तो इनको आप देखते जाएं हाउ ओल्ड इज है थर्टी ईयर ये मतलब इसको रेड करना भूल गया हूँ तो आंसर लेकिन ब्रैक में आर मौजूद है तो उसके बाद पाँच नंबर के चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ आर ये पाँच नंबर के आते हैं तो ये भी इतनी मुश्किल नहीं है तो इसमें जो है कुछ ऐसे हैं जैसे नेचुरल जो रियलिटी है उससे रिलेटेड द सन जो है राइजेज इन द ईस्ट द सन जो है सेट्स इन द वेस्ट इस तरह का जो है एक आ जाता है स्पीक्स uh, वाला आ जाता है शी स्पीक्स आलवे ट्रूथ तो स्पीक्स मोस्टली जो आता है ट्रुथ वाला तो उसमें स्पीक्स एस का ही इजाफा होता है सिंपल सेंटेंस होता है और उसके बाद uh, रेनिंग वाला मोस्टली आ जाता है तो ये जो है दिए हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको आप लोग जो है देख लीजिएगा हार्ड वर्किंग वाला भी आता है ज्यादातर जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास ही वुल्ड पास भी आता है जैसे ये इफ ही या आई वर्क हार्ड ही या आई ए वुल्ड है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये बार बार रिपीट होते हैं बस उनका स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है जैसे आई टेक टी एवरी मॉर्निंग आई टेक एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग इस तरह जो वाले जो हैं ये बहुत मतलब सेंटेंस uh, चेंज होता है लेकिन उनके जो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वर्ब जो होते हैं वो सेम यूज़ हो रहा होता है जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जैसे ये शी जनरली स्पीक्स द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश तो ऐस का इजाफा है तो आपने इस तरह भी अगर आपको ये वर्ब नहीं आते तो आप रट्टे लगा के भी अपने माइंड में कि इसका इस तरह जो है हाल आ सकते इस तरह जुमला है तो उसको इस तरह करेंगे जैसे यहाँ पर फिर आ गए आलवेज आल स्पीक्स द ट्रुथ तो वैसे आपको आने चाहिए तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का गेस्ट था जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना था बाकी जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों को कम्प्लीट गया पेपर प्ले वगैरह जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी तो स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी तो इसको जो है आप लोगों ने लाजमी देख लेना है बाकी जो चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है बेल आइकॉन को प्रेस कर देना है और अगर आप प्ले लिस्ट में जा नोट्स वगैरह देखना चाहें तो आप वो भी जाकर जो है देख सकते हैं बाकी इन शी तरह आप लोगों के साथ वीडियोज़ का सिलसिला जो है वह जारी रखूँगा आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं नेक आ, बहुत सारी दुआएं जितने आप लोगों ने नंबर जो उम्मीद लगा रखी है अल्लाह ताला उससे ज़्यादा से नवाजे अगर आप लोगों ने मेहनत की है तो और अगर नहीं की फिर भी अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे मार्क्स से नवाजे और इसके बाद जो है आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़